वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल, दिस इज तेशियर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केस स्टडी ऑन इनफर्टिलिटी, जिसमें हम सबसे पहले पेशेंट का बायोडाटा लिखेंगे, जिसमें हम जो भी जनरल डाटा रहेगा जैसे कि नेम ऑफ द पेशेंट लिख लेंगे, एड्रेस लिख लेंगे, एज सेक्स जो भी है उसका, रिलीजन, IPD नंबर, OPD नंबर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ एडमिशन, वार्ड नंबर, डायग्नोसिस, ये सब लिख लेंगे हम। इसके बाद फैमिली हिस्ट्री लिख लेंगे, फैमिली की कंपोजिशन टेबल बना लेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे हम, फैमिली ट्री बना लेंगे, जो भी जीनोग्राम है वो बना लेंगे हम पेशेंट की फैमिली का, सोशियोइकोनॉमिक कंडीशन के बारे में लिख लेंगे कि भाई हाउसिंग कैसी है, सैनिटेशन कैसा है, वाटर सप्लाई कैसी है, नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड हैबिट्स कैसी हैं इनकी, पास्ट हिस्ट्री कैसी है, भाई पास्ट में कोई मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री रही थी क्या, उसके बारे में लिख लेंगे, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की हम, ऑब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री लिख लेंगे। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे हम पेशेंट का, तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले जनरल अपीरेंस कैसा आ रहा है, एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट कर लेंगे हम, वाइटल साइंस के बारे में लिखेंगे, वाइटल्स क्या आ रहे हैं पेशेंट के, हेड एंड स्काल्प कैसा सीन हो रहा है। इसके बाद आइज़ को चेक करेंगे हम, ईयर्स के चेक करेंगे, माउथ को चेक करेंगे, और अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी सीन हो रही है तो उसके बारे में हम लिख लेंगे। इसके बाद नेक के बारे में लिखेंगे, चेस्ट के बारे में लिखेंगे, ब्रेस्ट के बारे में लिखेंगे, भाई साइज शेप कैसा है, कोई एबनॉर्मलिटी सीन तो नहीं हो रही है। इसके बाद एब्डोमन को देखेंगे हम, इंस्पेक्शन, पालपेशन, अस्कल्टेशन, परकशन के ज़रिए, एक्सट्रीमिटीज़ को देखेंगे। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन आती हैं जनरल वो सब, बायोकेमिस्ट्रिकल इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे हम। इसके बाद यूरिन एग्जामिनेशन करवा लेंगे, ठीक है, अगर कोई फाइंडिंग आ रही है तो उसको नोट कर लेंगे हम। इसके बाद LFT करवा लेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें जो भी लेवल आ रही है उसको लिख लेंगे हम। इसके बाद हम जानकारी लिखेंगे, भाई डिजिट डिस्क्रिप्शन आएगा हमारा सबसे पहले, तो ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन रहता है उसके बारे में लिख लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, इसमें आप कलरफुल डायग्राम बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लिख लेंगे हम, यूटरस की लिख लेंगे, जो भी इसकी लेयर वगैरह रहती हैं उनके बारे में लिख लेंगे। इसके बाद फंक्शन लिख लेंगे, भाई क्या फंक्शन है इसके, फंक्शन लिखने के बाद हम पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे, जो भी इनफर्टिलिटी कोज होता है भाई किस वजह से होता है, कौन कौन सी इसकी पैथोफिजियोलॉजी बन सकती हैं, ठीक है, तो ये पैथोफिजियोलॉजी के बारे में लिख लेंगे हम। आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं इनको। इसके बाद डिस कंडीशन लिखेंगे जनरली, जैसे इनफर्टिलिटी क्या होता है, ये इसका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन वगैरह हो जाएगी, टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप की होती है इनफर्टिलिटी। इसके बाद इनफर्टिलिटी एंड मेल एंड फीमेल दोनों में बोथ में होती है तो उनके बारे में लिख लेंगे हम। सबसे पहले इनफर्टिलिटी एंड मेल में लिख लेंगे, इसके बाद फीमेल के बारे में लिख लेंगे। इसके बाद अब साइन सिम्टम्स कौन से अकर हो रहे हैं इनफर्टिलिटी की वजह से, कौन कौन साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमको। सबसे पहले मेल के अंदर लिख लेंगे हम, इसके बाद फीमेल के अंदर लिख लेंगे। इसके बाद रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, रिस्क फैक्टर्स के बारे में लिख लेंगे, जैसे कि एज, स्मोकिंग, एल्कोहल कंजप्शन, ये हैं जनरली। इसके बाद बीइंग अब्यूज और ओवरवेट, ईटिंग डिसऑर्डर्स, फूड के वजह से भी हो सकता है, ओवर एक्सरसाइज वगैरह, ये रिस्क फैक्टर्स दिए गए हैं आप लिख सकते हैं। STD हो सकता है, एक्सपोजर टू सम केमिकल्स और मेंटल स्ट्रेस, इनकी वजह से भी इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके बाद मैनेजमेंट लिख लेंगे हम, भाई मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मेल इनफर्टिलिटी के बारे में लिखेंगे सबसे पहले, तो मेल इनफर्टिलिटी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आप इस टॉपिक को, इस वाले को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जनरली यहाँ पे तो मेन फोकस इसके ऊपर रहेगा फीमेल इनफर्टिलिटी का, क्योंकि हमारा जो केस है फीमेल के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे हम ये लिख लेंगे मैनेजमेंट ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। आप एज इट इज़ लिख सकते हैं इसको डाटा को, ठीक है, ये मेडिकेशन वगैरह आ जाएंगी या कुछ भी चीज़ें आ जाएंगी जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेडिकेशन या कौन कौन से तरीके हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे IVF वगैरह हो सकता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
सरोगेसी का भी यूज़ कर सकते हैं, और भी एआरटी रहती हैं, ठीक है, वो सब चीज़ों का यूज़ कर लेंगे हम। इसके बाद प्रोसीजर्स के बारे में लिख लेंगे हम। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में लिखेंगे हम। नर्सिंग मैनेजमेंट करने के बाद ड्रग स्टडी के बारे में लिख लेंगे, भाई कौन कौन से ड्रग यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले हम मिसोप्रास्टल, इसका पूरा ये ड्रग कंपोजिशन, भाई कौन कौन सा डोज रखनी है हमको, एक्शन क्या रहेगा, इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सब लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम फाइनली नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। इनफर्टिलिटी वगैरह कौन कौन से हमको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं पेशेंट में, उसी के अकॉर्डिंग हम डायग्नोसिस बनाएंगे। तो ये डायग्नोसिस दे रखे हैं, यहाँ पे 10 डायग्नोसिस लिख रखे हैं मैंने, आप इनमें से प्रायोरिटी वाइज बना सकते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे एनजाइटी रिलेटेड टू अनेबल टू कंसीव बेबी, इसके ऊपर बना लेंगे हम एनजाइटी। तो एनजाइटी को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या करेंगे वो सब लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। इसके बाद एम्बेलेंस न्यूट्रिशन का बना लेंगे। एम्बेलेंस न्यूट्रिशन के बाद हम नॉलेज डेफिशिएंट का बना लेंगे, एनसीपी। इसके बाद लो सेल्फ स्टीम, भाई सीधी सी बात है, अगर किसी फीमेल को बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से उसकी सेल्फ स्टीम भी लो हो सकती है, तो उसका बना लेंगे हम। डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न का बना लेंगे। और फिर हम हेल्थ एजुकेशन लिख लेंगे, भाई कौन कौन सी ऐसी हेल्थ एजुकेशन है जो हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें सबसे पहले फॉलो अप से रिलेटेड बता देंगे, पेशेंट को जानकारी देंगे, मेडिकेशन से रिलेटेड देंगे, डाइट से रिलेटेड देंगे, भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताएंगे, समरी लिख लेंगे लास्ट में, भाई हमने जो भी चीज़ें अप्लाई की हैं उसका क्या नतीजा निकला, तो शुरू से लेके एंड तक जो भी हमने कुछ किया शॉर्ट में एक समरी बना लेंगे उसकी। इसके बाद लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे, भाई कौन कौन सी बुक का हमने रेफरेंस लिया था, कौन कौन सी से हमने डाटा लिया था, ये हेल्थ ऑफ क्या केस स्टडी इनफर्टिलिटी की बनाने के लिए, ठीक है, जो अभी हमने डिजिटल डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी चीज़ें लिखी हैं, जो भी हेल्प लिया है वो। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।